हेलो दोस्तों, NSNIS 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं, जिन पर मैंने डिटेल वीडियो बना दी थी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फीस कैसे सबमिट करनी है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को। तो मैं स्टेप्स बता देता हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहले आपको SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आप आ जाएंगे। अब यहां पर आपको आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आ रहा है वो इंस्टीट्यूशन कौन से स्टेट में है, तो यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। पंजाब, सभी को पंजाब करना है, चाहे आप कोई सा भी सेंटर चूज करें, लेकिन यहाँ पर पंजाब ही सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने कर लिया। अब यहाँ पर गो पर आप क्लिक कर देंगे, तो मैंने गो पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। ये आ गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, तो यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग 2021-22 सेशन, इस पर क्लिक कर देंगे आप। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने अब कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेंटर का ऑप्शन है, चार सेंटर हैं, इनमें से कौन सा सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी गेम हो, जो भी सेंटर आपको सेलेक्ट करना हो, वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे आर्चरी का करना है, तो मैं कोलकाता पर सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। कौन सा गेम है आपका, तो गेम आ गया है, मैंने आर्चरी क्लिक कर दिया है। आपका जो भी गेम हो वो कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फादर्स नेम लिखना है, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, स्टेट ऑफ डोमिसाइल मतलब कौन से स्टेट के हैं आप, यहाँ पर अपना आधार नंबर, ईमेल आईडी जो भी आपकी रजिस्टर्ड हो, मोबाइल नंबर जो भी आपका रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर डिप्लोमा फीस 40,800 रुपये आपकी फीस है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर रिमार्क्स में अगर कुछ लिखना चाहते हैं आप इससे रिलेटेड, तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट डेट बताई गई है 30th November 2021, जो कि पिछले नोटिस में भी आपने पढ़ा था। और यहाँ पर कुछ डिटेल पूछी जा रही है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, दोबारा से ईमेल आईडी, और ये कैप्चा कोड भरकर आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी करके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाता हूँ। तो देखिए, सबमिट पर क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया। यहाँ पर जो भी डिटेल मैंने भरी थी वो लिखी हुई आ गई हैं, ये वैसे फिक्टिशियस हैं, सही नहीं है। अब यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, तो मैंने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया। अब पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि मान लेते हैं मुझे UPI से करना है, तो यहाँ पर UPI का ऑप्शन भी है, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, जैसे भी आप करना चाहते हैं। और दूसरे तरीके, जैसे मान लेते हैं मुझे डेबिट कार्ड से करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, 40,800 रुपीज़ आपकी फीस होगी। तो अब यहाँ पर जो डिटेल मांगी जा रही है वो डिटेल करके पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद एक रिसिप्ट आपके सामने आ जाएगी, उस रिसिप्ट की PDF अपने पास रख लीजिएगा। और उसके बाद 30th November के बाद जब फीस पेमेंट का ऑप्शन बंद हो जाएगा, तो कुछ दिनों बाद एक नई लिस्ट आएगी उन सभी स्टूडेंट्स की, जिन लोगों ने फीस का पेमेंट कर दिया है और उन्हें सेंटर अलॉटमेंट हो गया है। कौन सा सेंटर अलॉट हुआ है और फीस का पेमेंट करने के बाद अब आगे के क्या स्टेप्स हैं, वो उस लिस्ट में आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल से स्टेप्स थे जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे।